अभी हम जाएंगे सीधा इस वाले बिल्डिंग के अंदर, इस म्यूजियम के अंदर वाले भाग में, जहां पर युद्ध में इस्तेमाल की गई पिस्तौल, बंदूकें, तोप के गोले, खंजर, नाना साहेब पेशवा की तलवार और अंतिम मुगल बादशाह के कपड़े आज भी हमें देखने को यहां मिलते हैं। उस हिस्से में आ गए हैं जो लाल किले से भी पहले बना था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लाल किले की श्रृंखला के एक दूसरे भाग में लेकर आ गया हूं। और इस भाग के अंदर हम लाल किले के बचे हुए हिस्से को काफी बारीकी के साथ में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वाली जो वीडियो हमारी काफी मजेदार होने वाली है। और अभी तक यदि आपने हमारे पिछले 3 भागों को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उन भागों को देखिए, ताकि कोई भी हिस्सा आपसे लाल किले का ना बचा रह जाए। और आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो ज्ञानवीक ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ज्ञानवीक ब्लॉग्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए हम करते हैं अपनी इस वाली वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से इतिहास के साथ में, नजारे के साथ में शुरू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं लाल किले की वो बावड़ी, जो लाल किला जिस वक्त यहां बना उससे पहले अपने अस्तित्व में आ चुका था, जिसके बाहर का नज़ारा आज भी बड़ा शानदार है और इसके अंदर आज भी पानी भरा हुआ है। तकरीबन बताते हैं कि जो ये वाली बावड़ी, जो बावली हुआ करती थी, ये पानी को इकट्ठा करने के लिए और पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाई जाती थी। और इस बावली के अंदर जो ये सारे बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, ये सारे के सारे पहाड़ी पत्थर हैं। आपको इनकी मैं डिज़ाइन थोड़ा रूबरू करवाता हूँ। आइए एक बार आप थोड़ा आगे की तरफ देखिए। जब आप इस तरफ से देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल फिनिशिंग दी गई इन पत्थरों को, लेकिन रियल में इन पत्थरों का जो रबल है वो इस प्रकार से दिखता था, यानी कि ऊबड़ खाबड़ पत्थर ये हुआ करते थे। तो इससे ये समझ सकते हैं कि उनके पास में भी इन पत्थरों को काटने की कुछ ना कुछ तकनीक रही होगी, जिसकी वजह से इन्होंने इस पत्थर को बिल्कुल चकोर बहुत अच्छे तरीके से कट किया होगा। अभी मैं आपको इसके ऊपरी हिस्से के साथ में पूरी बावली को दिखाऊंगा कि आज ये कैसे दिखती है। अंदर वाले हिस्से में तो भर गया है यहाँ पे पानी, तो इसलिए अभी जितना भी संभवतः है हम इसको पूरे का पूरा एक्सप्लोर अभी करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को इस बावड़ी के इस वाले हिस्से में कुछ पैड़ियां जो कि पानी के अंदर दब चुकी हैं आज भी दिखाई दे रही हैं, और सामने की तरफ कुछ कक्ष, कमरे, रूम बने हुए हैं। आपको मैं बता दूं, पहले के समय में जब ज़मीन से पानी आता था, क्योंकि पास में से ही यमुना नदी भी गुजरा करती थी, तो उसका पानी स्तर भी कम से कम यहाँ रहता होगा, तो ये बावड़ी जो थी पानी के लिए इस्तेमाल में आती थी। लेकिन ये वाला जो पानी है, ये सारे का सारा, ये तो वर्तमान समय में बारिश की वजह से जो भर गया वो पानी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अंदर के जो कक्ष हैं उनसे हम ये समझ सकते हैं कि इन कक्षों के अंदर ऐसा हुआ करता होगा कि जो लोग यहाँ पे आते होंगे या तो इसमें बैठते होंगे, आराम फरमाते होंगे, क्योंकि ये बावड़ी किसी समय बहुत ज़्यादा ठंडी भी रहती थी। इसके आसपास का जो माहौल है पूरा ठंडा बना हुआ था। और इतिहासकार डॉक्टर नारायणी गुप्ता और रतीश नंदा ने अपनी पुस्तक द बिल्ट हेरिटेज में इस बावड़ी को तुगलक शासनकाल का बताया है, क्योंकि ये वाला स्थान किसी समय फिरोज शाह तुगलक के शहर फिरोजाबाद का ही हिस्सा था। और कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि ये वाली बावड़ी लोदी काल की भी हो सकती है। इस बावड़ी की जो शेप है वो एल आकृति की बनी हुई है, लेकिन सोचने का विषय ये बनता है कि यमुना से केवल 100 मीटर की दूरी पर यह बावड़ी बनी है। शायद उस समय यमुना का जो पानी है वो खारा रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर इस बावड़ी को बनाया गया है। सामने की तरफ जो आप ये मेहराबदार सलाखें और खिड़कियाँ देख पा रहे हैं, 1945 के बाद में इस बावड़ी को जेल की तरह भी इस्तेमाल में लाया गया था। जिस वक्त अंग्रेजों ने हमारे भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, यानी कि बात मैं कर रहा हूँ 1857 के महासंग्राम की, उसके बाद जो सारी की सारी घटनाक्रम हुई, सबसे पहले विद्रोह कहाँ शुरू हुआ, उसके लिए आज वर्तमान समय में लाल किले के अंदर एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसको अलग अलग पार्टीशन भागों में बांटा गया है। दोस्तों, ये वाला जो आपको ब्रिटिश कॉलोनियल समय की एक जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर आज के समय में
उन सभी चीज़ों को एकत्रित किया गया है जो 1857 के महासंग्राम से संबंधित थी। अभी हम जाएंगे इसके अंदर और हर एक चीज़ को कैप्चर करेंगे। तो मैं बस यही कहूँगा कि दोस्तों इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि किसी भी चीज़ की जानकारी आपसे अधूरी ना रहे और ये जो भाग है ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 1857 में प्रयोग आने वाले विभिन्न झंडे दिखाई दे रहे हैं और इस म्यूज़ियम के अंदर इस स्थान पर पूरे भारत में जहाँ पर विद्रोह हुआ, राज्य हरण हुआ और युद्ध जहाँ हुए उसको शो किया गया है। सामने की तरफ अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर हमारे भारत की महिला क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई बेगम हज़रत महल को दर्शाया गया है। यहाँ संग्रहालय के बारे में लिखा हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। इस म्यूज़ियम के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं हमें सामने की तरफ उस वक्त के गुप्त संदेश, कमल और पेड़ की छाल और यहाँ पर हमें जो प्लानिंग की गई थी उनकी युद्ध से पहले उसका चित्रण भी पेश हो रहा है, उसके बारे में लिखा हुआ भी है काफ़ी कुछ यहाँ पर। और इस तरफ हमें मिल रहा है कि जो राज्य को हड़पने की नीतियाँ बनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उस समय के क्रांतिकारियों के द्वारा, उस इतिहास को बताया गया है काफ़ी बारीकी से। सामने की तरफ अंग्रेज़ और मराठाओं के बीच में होने वाले युद्ध को दर्शाया गया है, उसकी एक फिल्म चलती है यहाँ पर। ये भारत के वो हिस्से जो संधि करने के लिए आगे आए थे, यहाँ पे दिखाया गया कि किस प्रकार से लोगों का शोषण हुआ, उनका दमन किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। और इन ग्लासेस के अंदर हमें 1857 के समाचार पत्र, अखबार, न्यूज़पेपर दिखाई दे रहे हैं। इन पे शायद यही लिखा गया होगा कि जिस समय भारत के अंदर 1857 का विद्रोह चला तो उस समय क्या माहौल रहा होगा। ये मैप, ये बहादुर शाह जफर का एक सींग वाला बारूद का सिस्टम, काफ़ी सारी तीर भी खुदाई के समय जब यहाँ मिली थी तो उनको भी एकत्रित किया गया है। और यहाँ पर नाना साहेब पेशावा की तलवार भी संरक्षित की गई है जो मराठाओं की तरफ से लड़े थे, वीर योद्धा थे। और इस म्यूज़ियम के अंदर हमें मेरठ में होने वाली लड़ाई का जिक्र है, मेरठ में क्रांति के केंद्र कौन कौन से थे उसके बारे में लिखा हुआ है। और दिल्ली की तरफ क्यों आए, क्यों आगे बढ़े, इस तरफ भी ग्लासेस में हमें उस समय की कुछ ये बंदूक वगैरह, खंजर वगैरह जो कि मिले संरक्षित किए गए थे वो आज देखने को मिलते हैं। और साफ तौर पर उस समय की जो झलक है वो यहाँ इस म्यूज़ियम में देखने को मिलती है। देखिए कैसे उपकरण है ये, उस समय के औजार दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ी। ये जो बंदूक का ट्रेंड है ये अंग्रेज लोग लेकर आए थे अपने साथ में, पिस्टल वगैरह। अब ऊपर चलते हैं एक बार। इस पूरे कक्ष के अंदर हमें लखनऊ का जो संग्राम हुआ था, लखनऊ में जो अलग अलग युद्ध के पॉइंट थे, सामने की तरफ रुहेलखंड और कुमाऊँ का इतिहास लिखा हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर विद्रोह हुआ। जब आप यहाँ पर आएंगे तो काफ़ी बारीकी के साथ में आप इन चीज़ों को देखिएगा, पढ़िएगा, कैप्चरिंग कीजिएगा। और इस दीवार पर लखनऊ का अंतिम युद्ध, लखनऊ के अलग अलग हिस्सों को दिखाया गया है। सामने लखनऊ का सबसे बड़ा दरवाज़ा इस चित्र में दिखाई दे रहा है हमें। इस तरफ भी दिखाया गया कि लूटपाट और हत्या किस प्रकार से हुई, बर्बरता की गई वहाँ पर।
ये लखनऊ का पूरा परिचय दिया गया है कि लड़ाइयाँ कब कब हुई, उनकी तारीखें भी दी गई हैं जो काफ़ी उपयोगी भी बनी हुई हैं। अब हम दूसरे कक्ष में जा रहे हैं। यहाँ आने के बाद में हमें ये जो तलवार दिखाई दे रही है ये कोई आम तलवार नहीं है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय की तलवार है ये। और ये जो गोले हैं ये कश्मीरी गेट के ऊपर दागे गए थे अंग्रेजों के, वो गोले हैं ये तलवार और मयान, उसके ऊपर का कवर बहादुर शाह जफर द्वितीय की आज भी संरक्षित की गई है। ये दिल्ली की लड़ाइयों का जिक्र सामने, उसका इतिहास काफी बारीकी के साथ में लिखा हुआ है। दिल्ली के जो गद्दार थे उनका जिक्र किया गया है। उस समय उर्दू भाषा भी प्रचलन में थी। बादशाह बहादुर शाह जफर को जब कैद किया गया था 21 सितंबर 1857 में अंग्रेजों के द्वारा, उसका चित्रण भी पेश है और उनकी कहानी आपने सुनी होगी। जब बहादुर शाह जफर ने खाने के लिए अंग्रेजों से कुछ मांगा तो अंग्रेजों ने उनके दो बेटों का गला काटकर उनको दे दिया था, जहाँ पे लिखा है शहजादों की दिन दहाड़े हत्या। ये उस समय की कुतुब मीनार का चित्र। और हमारी जो पुरानी दिल्ली थी अंग्रेजों के समय की, मुगलों के समय की, वो आज यहाँ पर बहुत बारीकी के साथ में पेश की गई है। ये लाल किले का वो दृश्य है जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, ये बाहरी हिस्सा जहाँ पर अंग्रेजों की तोप लगी हुई थी, अंग्रेजों ने इसको अपने अंडर में कर लिया था। और दिल्ली पर अंग्रेजों का पूर्ण तरीके से कब्जा हो चुका था। ये बेगम के कपड़े संरक्षित किए गए हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय के, कपड़े भी यहाँ पर बचा कर रखे गए हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे और शाही लगते हैं। बकर ईद के दिन भी हमला हुआ था, उसका जिक्र भी इस म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेगा, उस समय के आर्टिकल्स मिलेंगे। 11 मई 1857 में जो विद्रोह शुरू हुआ था उसकी गाथाएं, उनके आदेश पत्र, अखबार किस प्रकार से छपा करते थे, क्या उनका पैटर्न था, तो काफ़ी दस्तावेज ऐसे हैं, डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको आज यहाँ पर दर्शाया गया है। अम्बाला में, हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र जैसे कि रेवाड़ी के राव तुलाराम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, कई लोगों को फांसियाँ भी हुई थी, उसका जिक्र भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये म्यूज़ियम काफ़ी बेहतरीन है, मैं तो आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर आइए और इसको बहुत बारीकी के साथ में देखिए। पंजाब का भी जिक्र है किस क्षेत्र में लड़ाई हुई थी, कहाँ से मेन विद्रोह किया गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बारीक जानकारी के साथ में इतिहास आज आपके सामने आ रहा है। इस म्यूज़ियम से बाहर निकलने के बाद में अभी हम जा रहे हैं दूसरे म्यूज़ियम में, जिस म्यूज़ियम के अंदर हम लोगों को जलियांवाले बाग की जो सारी घटनाएं थी उनका बहुत बारीकी के साथ में, चित्र के साथ में और उसकी न्यूज़ के साथ में जिक्र मिलेगा। उसके लिए यहां पर जो आपको सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग के अंदर उन सभी चीज़ों को इकट्ठा किया गया है, एकत्रित किया गया है, वो सारे अवशेष आज भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अभी हम जाएंगे सीधा इस वाले बिल्डिंग के अंदर, इस म्यूज़ियम के अंदर वाले भाग में।